अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है बच्चों? ओके ग्रेट, आई नो व्हाट हैपेंड। कहाँ रह गए आप सारे? चलो लेट्स स्टार्ट। कल हमने तीन थ्योरीज को डिस्कस कर लिया था, वी विल कंटिन्यू विद अच्छा टेनबाम और श्मिट का जो मॉडल है उसको जरा अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा क्या, क्योंकि अगले दोनों मॉडल्स इसी के ऊपर बेस कर रहे हैं। द कमिंग टू मॉडल्स आर प्रिसाइजली बेस्ड ऑन दिस वन। ये जो मॉडल है ना, अथॉरिटेटिव ऑटोक्रेटिक से, यूज ऑफ अथॉरिटी से मूविंग टूवर्ड्स एरिया ऑफ सबॉर्डिनेट फ्रीडम, अगले सारे के सारे जो मॉडल्स हैं वो इन्हीं लाइन्स के ऊपर और इन्हीं हायरार्की के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अगला मॉडल है एश्रिज का। इनफैक्ट कीवर्ड्स भी सेम है। अगला मॉडल है एश्रिज का। एश्रिज का मॉडल पेपर में आया था, बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स पूछे गए थे। एश्रिज कॉलेज है यूके में, इन्होंने कुछ स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप आइडेंटिफाई किए थे विच वर मोर और लेस सेम एज वर डिस्कस्ड बाय टेनबाम एंड श्मिट। तकरीबन वही कॉन्सेप्ट है। इन्होंने चार स्टाइल्स को डिटर्मिन किया था, डेल्स, सेल्स, कंसल्ट्स एंड जॉइंट्स। हर स्टाइल के कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। यू शुड बी नोइंग द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ ईच। इन चारों स्टाइल्स के आपको बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स पता होने चाहिए। पेपर में एग्जैक्टली इन चार में से आई गेस दो स्टाइल्स का नाम लेके उसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स पूछे गए थे। टेल स्टाइल जो है ये डिक्टेटोरियल स्टाइल है, जैसे कल भी बात की थी। ऑटोक्रेटिक स्टाइल जो है दैट्स अ डिक्टेटर स्टाइल। इसमें आप अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हैं, आप डिक्टेट करते हैं। इसके अंदर आपका जो पर्पस होता है वो अपनी बात मनवाना होता है किसी से। यू ट्राई टू डिक्टेट व्हाटएवर यू हैव इन योर माइंड। सो लीडर मेक्स द डिसीजन एंड देन लीडर इम्पोसेस द डिसीजन। ये टेल्स एग्जैक्टली वो जो टेल्स वाला कॉन्सेप्ट था टेनबाम एंड श्मिट का, दिस वन दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट है। ये टेल्स और एश्रिज का टेल्स बिल्कुल सेम। एडवांटेज क्या है? डिसीजन मेकिंग स्पीडी होती है। लीडर डज नॉट नीड टू कंसल्ट एनीवन, प्रोबेबली रिजल्ट इन बेटर डिसीजंस। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं थर्ड चैप्टर में, तो अगर हम सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग की बात करें, तो डोंट यू थिंक हमने सेंट्रलाइजेशन में भी यही बेनिफिट्स डिस्कस किए थे? क्वालिटी ऑफ डिसीजन बेहतर होती है, स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है। सबॉर्डिनेट्स माइट नॉट बी नॉलेजेबल, माइट बी इनएक्सपीरियंस्ड, दे माइट हैव लेसर ट्रेनिंग टू कंट्रीब्यूट सक्सेसफुली। ड्रॉबैक्स क्या है टेल्स स्टाइल के इसके अंदर हो सकता है कि सबॉर्डिनेट्स जो हैं दे माइट हैव एक्सपीरियंस एंड स्किल दैट कैन बी कंट्रीब्यूटेड टू द डिस्कशन। तो टेल्स स्टाइल के अंदर सबॉर्डिनेट्स के व्यू हम इग्नोर कर देते हैं। क्रिएटिविटी नहीं होती इसके अंदर, देर इज लैक ऑफ क्रिएटिविटी। आपके जो डिसीजन है वो क्रिएटिव नहीं होते। और देर इज टू मच डिपेंडेंस ऑन वन पर्सन। जब भी हमने पढ़ा था सेंट्रलाइजेशन के अंदर के जो ओनर होता है, सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन उस पर डिपेंड कर रही होती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए। सो इज टू मच डिपेंडेंस ऑन अ सिंगल पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसके बरक सेल्फ स्टाइल है। अच्छा, यहाँ पे ये टेल्स जो है इसको ये अथॉरिटेटिव कहता है, और सेल्स जो है दैट इज ऑटोक्रेटिक। अच्छा, अगर हम थोड़ा पीछे मूव करें लिपिड एंड वाइट के अंदर, तो लिपिड एंड वाइट ने ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेटिव को एक ही लेवल पे रखा था, हालांकि इसमें फर्क होता है। अथॉरिटेरियन स्टाइल जो है ये है डिक्टेटोरियल स्टाइल, टेल्स। ऑटोक्रेटिक इज नॉट एंटायरली टेलिंग। ऑटोक्रेटिक जो है ये टेल्स एंड सेल्स में आया। तो एश्रिज ने बेसिकली ऑटोक्रेटिक स्टाइल को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया था। तो ये ऑटोक्रेटिक स्टाइल है एंड दिस इज अथॉरिटेरियन स्टाइल, ये अथॉरिटेरियन स्टाइल। लिपिड एंड वाइट ने दोनों को एक ही कैटेगरी में काउंट कर लिया था, इन्होंने इसको डिफरेंशिएट किया। ऑटोक्रेटिक लीडर डिसीजन लेता है बट देन ट्राइज टू सेल द डिसीजन टू सबॉर्डिनेट्स, टेल्स एंड सेल्स। एग्जैक्टली ऊपर वाला स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसल्टेशन होती है। एडवांटेजेस क्या है? सबॉर्डिनेट एटलीस्ट नो व्हाट द डिसीजन इज ऑल अबाउट। लीडर इज नॉट डिक्टेटोरियल। ठीक है, सेल्स के थ्रू भी लीडर इम्पोज ही करता है अपना पॉइंट ऑफ व्यू सबॉर्डिनेट्स पे, और कम्युनिकेशन वन वे ही होती है, टू वे नहीं होती। सेल्स के भी ड्रॉबैक्स ये सेम है। सबॉर्डिनेट्स का व्यू आप इग्नोर कर देते हैं, इनिशिएटिव और क्रिएटिविटी ऑफ सबॉर्डिनेट्स माइनस हो जाती है। तो इसके भी ड्रॉबैक्स ये सेम है जो कि टेल्स के ड्रॉबैक्स।
ठीक है, द ड्रॉबैक्स आर द सेम. कंसल्ट्स एक डेमोक्रेटिक स्टाइल है. कंसल्ट के अंदर आप लोगों की राय ले रहे हैं, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट के थ्रू जा रहे हैं. लीडर आस्क द कमेंट फ्रॉम द सबॉर्डिनेट बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, डिसीजन से पहले. यहाँ पे कंसल्ट है, यहाँ पे हमने इसको इन्वॉल्व का नाम दिया था, यहाँ पे हमने इन्वॉल्व कहा था. ही देन डिसाइड्स, डिसीजन मेकिंग से पहले सजेशंस तलब करता है ना, तो दैट इज द सेम कॉन्सेप्ट इन कंसल्ट्स. और सबॉर्डिनेट्स जो है वो उसको परसुएड कर सकते हैं कि अगर उसने पहले से कोई माइंड मेकअप कर लिया हुआ है तो वो चेंज भी कर सकते हैं. एडवांटेजेस क्या है? इंटरेस्ट ऑफ द सबॉर्डिनेट्स इज इंक्रीज्ड, पॉसिबली स्ट्रॉन्गर मोटिवेशन होती है सबॉर्डिनेट्स के दरमियान. Subordinates have the ability to contribute their knowledge and their experience in the process of decision making. Subordinates jo hai knowledge contribute karne ke qabil hote hain decision making mein. Subordinates ke paas better insights ho sakti hain, better informed decision ho sakta hai, decision making understanding better ho sakti hai. So bahut sare benefits hain. Drawbacks kya hai? Subordinates ke paas agar knowledge nahi hai, so that will lead to inappropriate decision making. Decision making process can be slowed down. Jab bahut sare log contribute kar rahe hote hain तो प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, प्रोसेस सुस्त हो जाता है, क्योंकि जितने लोग होंगे उतनी आरा आएगी, उतनी ज्यादा सजेशन आएगी, लोग उतनी राय देंगे, और जितने ज्यादा लोग सजेशन देंगे आपका जो प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग का, दैट विल. देन वी हैव कंसर्न्स, जॉइंस. जॉइंस को हमने ऊपर लेसेस फेयर का नाम दिया था. जॉइंस में क्या करते हैं लीडर्स, या फिर एबडिकेट. टेनेंट बार मैनेजमेंट में हमने एबडिकेट कहा था, यहाँ हम जॉइन कह रहे हैं. सेम कॉन्सेप्ट है कि सबॉर्डिनेट्स को आप सब कुछ हैंड ओवर कर देते हैं. यू अलाउ देम टू गेट ऑन टू वर्क ऑन देयर ओन, वट एवर सबॉर्डिनेट्स लाइक, विद इन एस्टैब्लिश्ड गाइडलाइंस. जो भी आपने गाइडलाइंस देनी है वो दे के आप उनके हवाले कर देते हैं. एडवांटेज क्या है? मोटिवेशन और कमिटमेंट बढ़ती है. पिटफॉल क्या है? प्रॉब्लम, ड्रॉबैक्स क्या है? लोग इंडिपेंडेंटली हमेशा काम नहीं कर सकते. पीपल ऑफन नीड गाइडेंस फ्रॉम द लीडर, बट लीडर इज नॉट देयर टू गाइड देम. So things can go wrong. फिर coordination between the subordinates is poor. ये हमने पढ़ा था lipid and white में भी, less is fair. There is a risk के subordinates के जो action है वो leader की authority को undermine कर देते हैं. Leader जो है उसकी जो authority है वो challenge हो जाती है when subordinates take too much decision at their own. और potential risk वही same है कि अगर subordinates के पास knowledge insufficient होगा, अगर subordinates के पास understanding नहीं होगी, that would lead to a disaster, that would lead to poor decision. So ये potential problem है इसके अंदर. individuals को क्योंकि guidance चाहिए होती है, तो आपको फिर उनको साथ लेके चलना पड़ता है. तो ideally Ashridge की theory का conclusion क्या है? Ashridge की theory का conclusion है consult style is the best one. consult style, participative management, leader subordinates को decision making में involve करे, उनकी राय ले, लेकिन फिर डिसीजन जो है वो गाइडेड हो, डायरेक्टेड हो, उसमें अपना उसकी से हो. सो दैट इज वेयर द सबॉर्डिनेट्स प्रेफर टू बी कंसल्टेड. और वर्स स्टाइल कहते हैं इनकंसिस्टेंसी इन स्टाइल. क्योंकि हम पढ़ रहे हैं स्टाइल थ्योरी, सब स्टाइल थ्योरी जो है वो एक स्टाइल को बेस्ट कहती है. तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक लीडर एक वक्त में लेसेस फेयर में चला जाए, एक वक्त में लीडर जो है वो टेलिंग स्टाइल पे आ जाए, एक वक्त में वो सेलिंग स्टाइल पे आ जाए. सो दैट माइट नॉट बी अ गुड सजेशन, दैट माइट नॉट बी something that should happen. तो inconsistency नहीं होनी चाहिए style में. जो एक best possible style leader opt कर लेता है, उसी style को फिर follow करना है, उसी style के ऊपर काम करना है. So leader should be focusing precisely on the style he or she is taking along, he or she is carrying along, ताकि वो उसी style की base पे फिर effectively operate कर सके. 1960s में Rensis Likert ने चार किस्म के स्टाइल्स को डेवलप किया था. रेंसिस लाइकर्ट की थ्योरी अभी तक नहीं आई पेपर. कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ नाम डिफरेंट है. आपने देखा एश्रिज मॉडल के अंदर भी कॉन्सेप्ट एंटायरली सेम है, सिर्फ नामों का फर्क है. उसने कहा टेल्स, एश्रिज ने भी कहा टेल्स. उसने कहा टेल्स एंड टॉक्स, इट हैज बीन सेल्स, एश्रिज ने कहा सेल्स. ऊपर हमने डिस्कस किया इन्वॉल्व, इसने कहा कंसल्ट. ऊपर कहा एब्डिकेट, इसने कहा जॉइन. तो सिर्फ कीवर्ड्स डिफरेंट हैं, अदरवाइज अंडरलाइन कॉन्सेप्ट जो है वो सेम. इसी तरह यहाँ पर भी कीवर्ड्स डिफरेंट. ऊपर हमने बात की टेल्स की, यहाँ पे बात हो रही है एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेटिव, अपनी अथॉरिटी को एक्सप्लॉइट करना. लीडर हैज लो कंसर्न फॉर पीपल,
He uses threat and other fear-based methods to get others to do what he instructs. लीडर जो है वो फियर बेस्ड मेथड यूज करता है काम करवाने के लिए. कम्युनिकेशन वन वे होती है, लीडर्स जो सबॉर्डिनेट्स आप कम्युनिकेट करते हैं, और आपका जितना भी इंटेंट है, जितना भी आपका फोकस है, दैट इज ऑन गेटिंग द थिंग्स डन. एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेटिव, इसके बरक्स होता है बेनेवोलेंट अथॉरिटेटिव. इन दोनों में अथॉरिटेटिव कॉमन है. एक्सप्लॉइटेटिव में और बेनेवोलेंट में, बेनेवोलेंट का मतलब होता है बेनिफिट, फायदा पहुंचाना. तो एक्सप्लॉइटेटिव में आप थ्रेट यूज करते हैं, फियर यूज करते हैं, पनिशमेंट यूज करते हैं, जबकि बेनेवोलेंट में आप स्लाइट कंसर्न फॉर पीपल शो करते हैं, आप रिवॉर्ड यूज करते हैं परफॉर्मेंस को इनकरेज करने के लिए. यू एटलीस्ट लिसन टू द कंसर्न फॉर पीपल. आप कह सकते हैं कि ये टेल्स है और ये टेल्स एंड सेल्स है. यू कैन से दैट कि एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेटिव रिफ्लेक्ट्स द टेल्स स्टाइल और बेनेवोलेंट अथॉरिटेटिव रिफ्लेक्ट्स द सेल्स स्टाइल. तो यस, यू कैन से दैट एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेटिव में टेल्स आ सकता है और बेनेवोलेंट अथॉरिटेटिव में सेल्स आ सकता है. तो बट स्टिल ही शोज अ स्लाइट कंसर्न फॉर पीपल, बट स्टिल ही इज ऑफन टोल्ड बाय सबॉर्डिनेट्स व्हाट दे थिंक ही वुड लाइक टू हियर. फिर भी उसे वो बताते हुए जो सुनना चाह रहा होता है. मोस्ट डिसीजंस आर टेकन बाय द लीडर, ज्यादातर डिसीजंस लीडर लेते हैं. नॉट मच टीम वर्क नहीं होती. इसके बरक्स कंसल्टेटिव है. ये कंसल्टेटिव और ऊपर जो अभी हमने कंसल्ट डिस्कस किया है, ये सेम, दैट इज मोर ऑर लेस सेम. More or less, not exactly same. Consultative के अंदर leader makes a genuine attempt to listen to his subordinates. Substantial trust होता है. However, he does not allow them to make major decisions. ऊपर consultative में भी leader decision खुद लेता है, यहाँ पे भी leader decision खुद लेता है. Two-way communication है. जबकि यहाँ पे participative management में अब उनसे decision making करवा रहा है. उनसे decision making करवा रहा है. Leader जो है, वो अब subordinates को allow कर रहा है कि वो decision making करें. और उनके साथ अब वो बड़ा क्लोजली ऑपरेट कर रहा होता है. तो लीडर उन्हें एंगेज करता है प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग में, जबकि यहाँ पे लीडर सिर्फ उनकी राय लेता है. जस्ट लिसन टू देम, ये फर्क है दोनों. तो कंसल्टेटिव एंड पार्टिसिपेटिव. पार्टिसिपेटिव के अंदर ही हैज कंप्लीट कॉन्फिडेंस इन द सबॉर्डिनेट्स हु फील रिस्पॉन्सिबिलिटी. पीपल आर साइकोलॉजिकली क्लोज एंड वर्क वेल टुगेदर. सबॉर्डिनेट्स को रिवॉर्ड मिलते हैं बेस्ड ऑन व्हाटएवर अचीवमेंट दे हैव इन द गोल्स थ्रू पार्टिसिपेशन. तो पार्टिसिपेशन जो है, दैट इज द डेमोक्रेटिक स्टाइल. दैट इज द डेमोक्रेटिक स्टाइल के जहाँ पे आप सबॉर्डिनेट्स में कंप्लीट कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट शो करते हैं एंड यू अलाउ देम टू मेक देयर डिसीजंस एट देयर ओन. ये है लाइकर्ट का मॉडल. देख, मैंने आपको बताया था कल भी कि इस चैप्टर की जो थ्योरी है बड़ी हैंडी है, बड़ी क्विक थ्योरीज है. मोटिवेशन की और फर्स्ट चैप्टर की थ्योरीज काफी लेंथी है, काफी लंबी लंबी थ्योरी है. एक ही थ्योरी में से चार चार सवाल निकलते हैं, जबकि इस चैप्टर के अंदर जो थ्योरीज हैं, दे आर क्वाइट हैंडी, दे कम वेरी हैंडी, दे आर वेरी क्विक थ्योरीज एंड दे आर इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू एसिमिलेट, इजी टू डाइजेस्ट. इनको डाइजेस्ट करना, एसिमिलेट करना आसान. सो ये हमने पांच थ्योरीज पढ़ी हैं, जो है स्टाइल थ्योरी स्टार्टिंग फ्रॉम लिपिट एंड वाइट. स्कूल चिल्ड्रन को स्टडी किया, तीन किस्म के ग्रुप बना दिए, तीन किस्म के ग्रुप पे तीन किस्म के लीडर्स इम्पोज कर दिए, अथॉरिटेटिव, डेमोक्रेटिक एंड लेसेस फेयर. और पता लगा कि डेमोक्रेटिक लीडर जो है, दैट वाज द बेस्ट वन. ब्लेक एंड मोटॉन ने कंसर्न फॉर पीपल और कंसर्न फॉर टास्क की दो डायमेंशंस बनाई. इन दोनों डायमेंशंस को एक ग्रिड पर डाला. 1 to 9 की स्कोरिंग करते हुए इन दोनों डायमेंशंस को 5 किस्म के स्टाइल्स इससे निकाले एंड पब्लिश्ड. कंट्री क्लब, अथॉरिटेटिव, मिडल ऑफ द रोड एंड टीम मैनेजमेंट. 5 स्टाइल्स निकाले और कहा कि ये बेस्ट है, टीम मैनेजमेंट ये बेस्ट है. उसके बाद टेनबाउम एंड श्मिट ने कंटिन्यूम बनाया, एक स्केल बनाया, यूज ऑफ अथॉरिटी एंड एरिया ऑफ सबॉर्डिनेट फ्रीडम. और इस कंटिन्यूम के ऊपर उन्होंने 7 किस्म के स्टाइल्स पुट किए. दो दे डिड नॉट आर्ग्यू दैट एनी स्टाइल इज द बेस्ट वन, दे इवन डिड नॉट आर्ग्यू कि कौन सा स्टाइल कब बेस्ट होता है. इट इज नॉट कॉन्टिनजेंसी थ्योरी. अगर ये कॉन्टिनजेंसी थ्योरी होती तो ये सिचुएशन को भी प्रिव्यू करते हैं कि सिचुएशन में कौन सा स्टाइल यूज करना चाहिए, कौन सा स्टाइल यूज करना चाहिए. ठीक है, इसे कहते हैं टेनबाउम एंड श्मिट. इसके बाद इसी मॉडल को फिर आगे फर्दर हमने डिस्कस किया. एश्विट मॉडल के अंदर एश्विट ने कहा 4 स्टाइल्स होते हैं, टेल्स, सेल्स, कंसल्ट्स एंड जॉइंस. और एश्विट के मुताबिक बेस्ट स्टाइल जो है वो कंसल्ट्स. इसी तरह द
वेंसिस लाइकर्ट ने चार स्टाइल बताए और इन्होंने कहा कि पार्टिसिपेटिव स्टाइल जो है दैट इज द बेस्ट फॉर प्रॉफिट ओरिएंटेड ह्यूमन सेंटर्ड ऑर्गेनाइजेशंस, दैट इज द बेस्ट स्टाइल, जो प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनके लिए काम करती है। Any questions so far? Oh yes, ये theories जो हैं easy हैं, ये बड़ी quick theories हैं, बड़ी handy हैं। इन theories में इतनी कोई ambiguity, कोई problem नहीं होनी चाहिए इंशाल्लाह। Okay, इसके बाद है contingency theories। पढ़ेंगे इसे इंशाल्लाह मंडे को, और इसकी क्लास में थोड़ी सी relax कर लेते हैं। डिटेल हमें हम इसकी मंडे में रहेंगे। कॉन्टिजेंसी थ्योरीज में तीन थ्योरीज है, फीडलर मॉडल है, हर्शियन ब्लैंकेट है और हेडीज बेस्ट फिट अप्रोच। कॉन्टिजेंसी थ्योरी ये कहती है कि लीडर का कोई स्टाइल बेस्ट नहीं होता, ये सिचुएशन पे सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है कि लीडर का बेस्ट स्टाइल कौन सा होगा। इट इज प्योरली ड्रिवन बाय द सिचुएशन एंड द सर्कमस्टांसेस दैट व्हिच स्टाइल इज गोइंग टू बी द बेस्ट वन। इन अदर वर्ड्स, द मोस्ट इफेक्टिव स्टाइल इज कंटिंजेंट अपॉन द सर्कमस्टांसेस। Most effective style जो है ये circumstances पे depend करता है। तो contingency theories में हम ये contingency का word third time आया है। पहली दफा ये word आया था first chapter में जब हमने contingency theory of management को पढ़ा था। कि there is no one best way of management and it purely depends कि आप किस किस्म की environment में आप किस किस्म के माहौल में काम कर रहे हैं और उसके अंदर आप डिटर्मिन करते हैं कि आपकी मैनेजमेंट क्या होगी। फिर हमने दूसरी दफ़ा ये वर्ड पढ़ा था थर्ड चैप्टर में जब हमने बर्न एंड स्टॉकर और हमने हेनरी मिंट्सबर्ग को डिस्कस किया था, जब हमने हेनरी मिंट्सबर्ग को और बर्न एंड स्टॉकर को डिस्कस किया था कि देर इज़ नो वन बेस्ट वे टू स्ट्रक्चर एन ऑर्गेनाइजेशन। एक स्ट्रक्चर, एक इदारे का जो स्ट्रक्चर है वो बेस्ट वे होता है, डिपेंड करता है उसके एनवायरनमेंट के ऊपर और डिपेंड करता है उसकी व्हाट यू कैन से उसके बिजनेस के वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है, उसके बिजनेस के वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका बेस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, और अब थर्ड टाइम ये वर्ड आया है एट चैप्टर में दैट देयर इज नो वन बेस्ट वे To lead an organization, leadership का कोई एक best way नहीं होता। It purely depends कि organization जो है वो किस तरह से काम करती हैं, वो किस तरह से operate करती हैं, उस पर depend करता है कि ज़्यादा कितना effectively काम करेगा और ज़्यादा कितना जो leaders हैं उसके वो कितना effectively operate करेगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर फीडलर का मॉडल है और इसके बाद इसके अंदर हर्शियन ब्लैंकेट, ये दो दफ़ा आ चुकी है थ्योरी। फीडलर अभी तक नहीं आया, आपके अटेम्प्ट के लिए फीडलर बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इसमें हैंडीज बेस्ट फिट अप्रोच है, चार्ल्स हैंडी की बेस्ट फिट अप्रोच है, चार्ल्स हैंडी को ही फिफ्थ चैप्टर वाला कल्चर वाला। तो ये इंशाल्लाह हम मंडे को डिस्कस करेंगे। देन देयर आर लीडरशिप क्वालिटीज, what leaders really do, their action centered model है, वॉरेन बेने का मॉडल है, जॉन पॉटर का मॉडल है और रॉबर्ट हीप्स का मॉडल है, ये सारे के सारे मॉडल्स इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। पेपर में अभी रिसेंटली अडेयर का एक्शन सेंटर्ड मॉडल आया था सितंबर 2018 में। अडेयर्स एक्शन सेंटर्ड मॉडल वाज टेस्टेड। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। Let's have some generic discussion. आज content को यहीं पे close करते हैं, content मंडे को start करेंगे। Let's spend some 10-15 minutes on some general discussion. कोई आपकी queries, कोई आपके concerns, तैयारी में कोई मसाइल, पढ़ते हुए कोई problems, किसी किस्म के कोई issues अगर आप face कर रहे हैं, just discuss. Let's talk about them. Time management के issues आ रहे हैं आपको या आपको conceptual clarity में problems आ रही हैं, even though lecture बार-बार सुनते हैं लेकिन फिर भी चीजें समझ नहीं आती। तो इस तरह के अगर कंसर्न
concerns हैं तो I'm available to discuss. Anyone? No concerns, no queries, anyone? Good. It means if you can't think of any today, it means that we seldom have one. That's good to know. MashaAllah, now you are focused. माजिद आज हमने दो थ्योरीज पढ़ी हैं, बहुत हैंडी बड़ी गुड थ्योरीज है. आज हमने एशर मॉडल पढ़ा है और रेंसेस लाइकर्ट पढ़ा है. कोई मसला नहीं, पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है. कल टेरेन का अरेंजमेंट अगर आपने समझा था तो उसी के ऊपर बेस करते हैं. एशर मॉडल, टेल्स सेल्स कंसर्न्स एंड जॉइंस, और रेंसेस लाइकर्ट, एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेटिव बेनेवोलेंट अथॉरिटेटिव कंसल्टेटिव पार्टिसिपेट. तो अगर आपने कल टेनमेंट समझा था, पढ़ा था, तो फिर आपको इंशाल्लाह ये समझने में पढ़ने में कोई दुश्वारी नहीं होगी. और किसी को कोई और इशू? माजिद, लारे, सदर, ओके. मैं लालेब ने क्वेश्चन किया कि जी ओआर के जो टूल्स हैं उनके सिनेरियो क्वेश्चन में डिफिकल्टी होती है, तो कुछ सिनेरियो क्वेश्चन हो जाए करते हैं. बेटा आप व्हाट्सएप पे शाम में रिमाइंडर डाल देना, मैं व्हाट्सएप पे अपलोड कर दूंगा. पुट गिव मी योर रिमाइंडर ऑन द व्हाट्सएप, मैं इंशाल्लाह व्हाट्सएप के ऊपर आपको भेज दूंगा. ठीक है, हो जाएगा, दैट विल बी डन. ठीक है जी, कोई और क्वेरी, कोई और कंसर्न, एनीथिंग? नो क्वेश्चन फॉर टुडे. ओके, यू कैन ऑलवेज कम अप ऑन व्हाट्सएप, यू कैन टॉक अबाउट इट व्हेनेवर यू रिकॉल एनी. जैसे कोई याद आए अगर इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे, नो प्रॉब्लम. चलो देन, एंजॉय योर वीकेंड, मंडे को मिलेंगे इंशाल्लाह. ठीक, एंजॉय योर वीकेंड, सी यू ऑल ऑन मंडे. ओके, लास्ट टाइम, थैंक यू.